सो हाय, आज है मम्मा पापा की एनिवर्सरी, जैसे मैंने मॉर्निंग बताया था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी, तो उससे क्या होगा, थोड़े से व्लॉग्स हो जाएंगे मेरे पास। तो ये देखो, मैंने एक कर्ल किया था बाल, बाकी मैंने मेरा दिल नहीं किया करने का, तो मैंने बोला लेट इट बी, ऐसे ही छोड़ दो। वैसे ये भी सही लग रहा, पता नहीं मैंने अपने बालों का क्या किया, जस्ट इग्नोर। इतनी ज़्यादा बीमार लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़े से मेकअप कर लिया। वीडियो में तो मैं थोड़ी खूबसूरत ही लग रही हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा झूठ बोलता है। तो चलो मीशो हॉल स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत सारी ज्वेलरी है मेरे पास, कुछ मैंने बहुत सालों पहले मंगाई, कुछ बहुत सालों पहले मंगाई हुई है, कुछ अभी रिसेंट आई है। सो मीशो ना बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी ट्रेंडिंग चीज़ें मिलने लग गई हैं वहाँ पे। सो ये सारी नीचे मैंने ज्वेलरी रख दी है। सबसे पहले मैं इस बॉक्स से स्टार्ट करूँगी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें से सिर्फ मेरे दो या एक चीज़ ही होगी, बाकी सब मेरी बहनों का है। सो लेट्स स्टार्ट, इग्नोर माई नेल पेंट। पहन के दिखाती हूँ, साइड में आपको दिख जाएगा, वैसे पहन के इधर लगा दूंगी वीडियो। सो एंड इसके कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन सी। वीडियो में तो वैसे आपको क्लियरली दिख ही जाएंगे, ये कितने क्यूट है ना, ये आई रियली लव। उसके बाद सेकंड वन है मेरे पास दिस वन, ये थोड़े बड़े हैं, ठीक है, खूबसूरत है ना यार, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं ब्लैक मेटल के इयरिंग्स। आई रियली लव 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 लव, प्यार है मुझे इनसे, ब्लैक मेटल के इयरिंग्स है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये थोड़े से हैवी हैं, लाइक कान में लटक गए हैं, थोड़े हैवी हैं। और यार मैंने कोई इयरिंग्स ही वेयर नहीं किए। सो मीशो एक ट्रस्टवर्थी वेबसाइट है, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे और ट्रेंडिंग ज्वेलरी एंड टॉप जीन्स ले सकते हो, जो आपको बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइजेस में मिल जाएगा। एंड दिस वन आल्सो फ्रॉम मीशो, एंड दिस इज सो गॉर्जियस, सो 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 गॉर्जियस। और एक और बात, मेरी सिस्टर भी ब्लैक मेटल की एक लाइक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, उसमें वो सारा कुछ आपको इस टाइप का ही कलेक्शन देगा, और ये इयरिंग्स भी उसमें होंगे विद द चीपेस्ट प्राइस। आपको ये मीशो पे 275 और समथिंग 290 के मिलेंगे। सिस्टर के इंस्टाग्राम स्टोर में आपको ये बहुत चीपेस्ट रेट में मिल जाएंगे। अभी मेरे को पता नहीं वो क्या रेट इसका लगाएगी, क्योंकि शी नेवर रिसीव हर पार्सल, एंड सो डेट्स वाई आई रियली डोंट नो वट द करेक्ट प्राइस ऑफ दिस इयरिंग्स हर इंस्टाग्राम स्टोर। सो मैं उसका बता दूंगी आपको आने वाली वीडियोस में। सो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ये उसने भी मंगवाए थे, लेकिन उसने ये मीशो से मंगवाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी लवर है, और इसलिए उसको उससे वेट नहीं हुआ कि मैं अपने वाले पार्सल से इसको ले लूँ। सो उसने इसलिए मीशो से, मैं इसके लिंक भी दे दूँगी, और अपनी सिस्टर का इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड नेक्स्ट वन दिस रिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ब्लैक मेटल बहुत ज़्यादा पसंद है उसको, मुझको, और मतलब हमारे घर में ना ज़्यादातर ब्लैक मेटल्स की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम। एंड लुक एट दिस, वाओ यार, सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल यार, एंड द प्राइस रेंज इज सो चीपर, लाइक इसका प्राइस होगा 165 समथिंग, या फिर 200 से नीचे है। इसका लिंक मैं आपको सभी के कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साइड में पिक्चर भी लगा दूंगी, फोटो भी लगा दूंगी, सब कुछ दे दूंगी, सो डोंट वरी। उसके बाद नेक्स्ट आई हैव दिस, वाओ, इट्स ऑल्सो सो ट्रेंडिंग, ये पाँच पैसे का सिक्का बना हुआ है, एंड देन ये थोड़ा सा ताबीज की तरह, आई डोंट नो व्हाट कॉल इज दिस। सो ये तो बहुत ज़्यादा चीपर थे, ये आई थिंक सो 160 और 150 के थे, एंड ये अगेन वेयर किए हुए इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ना। ब्लैक मेटल के आप कोई भी इयरिंग्स ले लो यार, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे आपके ऊपर।
और अगर आपके आपने वाइट कुछ वेयर किया हो तो माशाल्लाह लगता है. सो नेक्स्ट दीज एयरिंग्स, ये अरे यार मैं नेल पिंट भी नहीं लगाई हुई मैंने, बट कोई बात नहीं. तो ये देखो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर. ये तो बहुत ही सस्ते मिले थे हमको, क्योंकि ना मीशो पे सेल्स चलती रहती है, से आप हमेशा सेल में ही करना शॉपिंग. एंड जब भी आप मीशो डाउनलोड करोगे ना, आप अगर नए पर्सन हो तो आपको पूरा 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. एंड मैंने ना एक बैग भी, लैपटॉप बैग भी ऑर्डर करवाया, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप बैग नहीं है, सो दैट्स वाई आई ऑर्डर. और वो 500 का है, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगी. अभी तक मेरे पास रिसीव नहीं हुआ. सो दिस वन द नेक्स्ट इयररिंग्स, ठीक है. उसके बाद है विद दिस इयररिंग्स, आई रियली लव ब्लैक मेटल, मैं मर जाती हूँ उनको देख के. एंड नेक्स्ट वन इज, ओ माशाल्लाह, दिस वन इज सो गॉर्जियस, सो गॉर्जियस, ओ माई गॉड. एंड इट बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, कैन सी. और क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रियली 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 लव इट. देखो अब सभी अभी तक ब्लैक मेटल ही दिखाया, क्योंकि आई रियली लव ब्लैक मेटल, ये वर्थ इट लगते हैं मेरे को. एंड नेक्स्ट वन इज दिस, इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ मैं, क्योंकि पिक्चर में कुछ और दिखाया था और रिसीव कुछ और हुआ था. लेकिन सेम रिसीव हुआ था, बट यहाँ पे मिरर लगे हुए थे, इस यहाँ पे मिरर लगे थे, बट जब हमें रिसीव हुआ तो दोनों में ही मिरर नहीं थे. अदरवाइज सूट के साथ या ऐसे पहने हुए बहुत सुंदर लगते हैं. और ये थोड़ा प्राइजिंग वाइज भी थोड़े महंगे थे, आई थिंक सो ये 400 रुपीज और समथिंग 350 के थे. सो दिस वन इज अ लिटल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इतना पे कर रहे हैं हम. बट दिस वन इज सो लाइट वेट, लाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. सुंदर देखो कितने लग रहे हैं, और वाइट सूट के साथ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं. सो ब्लैक मेटल के इयरिंग्स ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्लैक मेटल के साथ, सॉरी वाइट सूट के साथ करो वेयर, तो बहुत सुंदर लगते हैं. सो दिस वन देख लो, क्योंकि मैंने ऐसे दे ही दिखाए थे आपको, तो आप थोड़े से करोगे अरे अच्छे से दिखाना, क्या कर रही है तू, एक सेकंड में ये दूर कर लेती है. सो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी ज़रूर, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है. उसके बाद ये ना मास्क चेन का बहुत ट्रेंड चला हुआ था, दैट्स वाई आई ऑर्डर. सो आप इसे एज ऐसे भी पहन सकते हो, और एज ऐसे भी पहन सकते हो, और आप जैसे बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है. वैसे मैंने इसे एक बार भी नहीं यूज़ किया. एंड ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप मटेरियल है इसका, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा है. और ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लाइक 250 और 275, आई रियली डोंट नो. लेकिन मैं इसका आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये बहुत ज़्यादा चीपर है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी. Look at this. ये आई थिंक मैंने लिए थे 150 रुपीज के समथिंग, और ये बहुत ज्यादा पुराने हैं, इनको कम से कम 6 मंथ हो गए होंगे. सो ये सारी ज्वेलरी मैंने एक बार में नहीं मंगाई, धीरे धीरे करके मंगाई है. सो बहुत सारी ज्वेलरी हो गई थी, दैट्स वाई आई थिंकिंग कि चलो मीशो कॉल करते हैं, तो मैंने मीशो कॉल कर लिया. दिस वन ऑल्सो फ्रॉम मीशो एंड दिस इज सो गुड. लेकिन इसका ना एक थोड़ा सा इशू है, ये इसका जो है ना, ये थोड़ा सा उन्होंने टेढ़ा लगा दिया, जैसे ये टेढ़े हो गए. बट कोई बात नहीं, कभी कभी पहनने मैं रेगुलर. और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, सारे इयरिंग्स बहुत लाइट वेट है. ये भी आपको बहुत हैवी लग रहे होंगे, लेकिन वेयर करने में बहुत ज़्यादा लाइट वेट, बिल्कुल भी ऐसे मेरे कान लटक नहीं रहे, बहुत अच्छे हैं. ओ माई गॉड, सबसे ज़्यादा हैवी है ना जो ये वाले हैं. दिस ओ माई गॉड, ये मैंने दिखा दिया क्या, शायद दिखा दिया, अगर नहीं दिखाया फिर भी दिखा देती हूँ दोबारा, क्योंकि आई रियली डोंट नो मैंने दिखाए हैं या नहीं, क्योंकि मैं मिक्स मैच कर रही हूँ. एंड नेक्स्ट वन इज दिस वन, वाओ सो गॉर्जियस. मेरे को नहीं पता आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन आई रियली लव, मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है ना इयरिंग्स. आई एम अ बिग फैन ऑफ इयरिंग्स, बिग फैन. एंड ब्लैक मेटल के तो मेरी जान है.
एंड नेक्स्ट डे थोड़ी सी दो चेन्स मैंने ऑर्डर करवाई थी, मैं जो भी आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैंने मम्मा के लिए ना एक सेट ऑर्डर करवाया था मीशो से, सी बन के दिखाती हूँ आपको। मतलब बहुत ज़्यादा चमचम करता है, अच्छा है क्वालिटी वाइज एंड प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका प्राइस आई थिंक सो 350 या 250, आई रियली डोंट नो। कितना खूब, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये। और मेरी मम्मा ने ना एक बार भी वेयर नहीं किया इसको, बट मैंने किया है बहुत बार क्योंकि मेरे मैं अपनी मम्मा के लिए चीजें लाइक की आती हूँ, मम्मा कम और मैं ज्यादा वेयर करती हूँ। सो मम्मा जब भी मैं कुछ लेके आती हूँ ना, सो मम्मा का यही डायलॉग होता है, ये तेरे लिए है या मेरे लिए। एंड आई वॉज मम्मा आपके लिए है, तो मम्मा बोली कि पहनेगी तो तू सो चलता है। मम्मा मम्मा और सिस्टर पे तो चलता ही है। तो मैं लिपस्टिक भी लेके आती हूँ ना मम्मा के लिए, तो मम्मा बोलेगी ये यू एंड मी है मतलब तेरी और मेरी है तो मैं बोलूँगी नहीं नहीं आप लगाओ, तो मम्मी बोलेगी नहीं नहीं तेरी भी है। तो मम्मी एक दिन लगाते हैं, उसके बाद मेरे बैग में मिलती है वो। तो इसके साथ एयरिंग्स भी आए थे एंड ये बॉक्स में आया था, इस तरह के बॉक्स में। सारी ज्वेलरी बॉक्स में आती है, ठीक है। सो टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मेरे पास एक भी ज्वेलरी डैमेज नहीं आई। और हाँ, एक और मैंने ज्वेलरी सेट ऑर्डर किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड इसके साथ ये एयरिंग्स थे। एयरिंग्स आए थे और बहुत सुंदर लगता है ये सब। उसके बाद मैंने ये एयरिंग्स ऑर्डर किए थे और इसमें जो पिक्चर थी ना वो अलग थी। उसमें क्या था, एक एयरिंग ऐसा था और दूसरे एयरिंग में ना ये वाला इस कलर का था और ये इस कलर का था, दैट्स वाई ये थोड़ा यूनिक लग रहा था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। और ये टूट भी गया और डिजाइन भी सेम नहीं था, बट कोई बात नहीं, ये वैसे सुंदर लग रहे हैं। देखो इसे फैब्रिक से जोड़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट दिस चेन, इसमें 3 लेयर ऑफ चेन है, ये 4 है, 1 2 3, दिस वन इज 4 लेयर, ठीक है। सो फर्स्ट में है ये हार्ट एंड सेकंड में सारी चेन्स है जो सेम है बिल्कुल, ये भी वेयर किया हुआ अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है ये बहुत अच्छा लगता है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई है, ये अभी तक फेड भी नहीं हुआ। सो दिस वन इज गुड, ये थोड़ा सा ना ऐसे आंखों को खाने वाला कलर है, येलो सा अजीब सा है थोड़ा, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं। सो तो रह गया। सो ये इयररिंग्स मैंने मंगवाए थे अराउंड 4 to 3 मंथ्स पहले और इनका ना पड़ा पड़ा ही कलर जो है ना फेड हो गया। जो सबसे ज़्यादा मैंने वेयर किए हैं ना वो है ये इयररिंग्स। ये इयररिंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बट ये फेड हो गए हैं। और ये पूरा सेट था, सेट की फ़ोटो मैं साइड पे दे दूँगी। और ये इयररिंग्स भी उन्हीं में से एक है ये इयररिंग्स, लेकिन मैंने इनको एक बार भी वेयर नहीं किया। इसके साथ छोटे वाले भी आए थे। सो ये सारे एयरिंग्स हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ, और जैसे ये वाले एयरिंग्स हैं, ये भी मैंने एक बार भी वेयर नहीं किए, सो ये अभी तक सलामत है। सो सेट पता नहीं कैसे आए थे, क्योंकि मैंने दो सेट मंगवाए थे तो सारे मिक्स है, मेरे को नहीं पता कौन सा सेट किसके साथ था, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले एयरिंग्स मैंने एक बार भी नहीं पहने, तो ये इनका पड़ा पड़ा ही कलर फेड हो गया। सो कई इनमें हैं जो पड़े पड़े ही कलर फेड हो गए इनके, और कई जो है वो जो मैंने वेयर नहीं किए तो भी उनके कलर सलामत है। सो मैं ये कहूँगी कि इनका एक जो है 350 और 300 का पूरा बंच है, जिसमें आई थिंक सो आपको 6 ऑफ पेयर एयरिंग्स मिलते हैं, जो मुझे लगता है वर्थ इट है, क्योंकि आपको 350 के अंदर अगर 6 पेयर मिल रहे हैं
सो अगर आपको 350 के अंदर 6 पेयर मिल रहा है तो इट्स वर्थ इट, क्योंकि आपको 6 जोड़े दे रहे हैं वो, और वो अगर आपके 5 बारी भी चले गए, आपके कानों में पड़ गए, तो वर्थ इट है, मुझे पसंद है. एंड द मोस्ट फेवरेट इयररिंग्स जो मैं हमेशा पहनती हूँ, लाइक एवरी टाइम, जिसका कलर भी थोड़ा रस्टी हो गया लेकिन वो चलते हैं, वो है ये लीफ वाले, बहुत ज़्यादा सुंदर है. हर एक ड्रेस के साथ ये सूट करते हैं. सो ये मैं हमेशा अपने यहीं पे रखती हूँ सेट पे, ताकि मैं जस्ट क्लियर कर लूँ. सो बस खत्म. This one is today's video. If you like this video, so just thumbs up and subscribe. Bye bye.